हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट पर्टिकुलरली एसएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा हेडेक रहता है और उसमें वो एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाते। तो इसमें एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों चीज़ें हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये सारी ट्रिक्स हम देखेंगे। और किस तरीके से क्लोज टेस्ट को हैंडल करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम से कम टाइम में ला सकें, ये हम देखेंगे। और एसएससी सीजीएल 2018 का टारगेट बैच अभी चल रहा है, तो इसकी लास्ट डेट 25 जुलाई है। 25 जुलाई से पहले इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें केवल 100 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग आप इन नंबर्स पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट बेसिकली टेस्ट क्या है? क्लोज टेस्ट हम इसको क्यों बोलते हैं? क्लोज टेस्ट इसलिए बोलते हैं, इसको हम रैपिड फिलर भी बोलते हैं। जल्दी से आपको फिलर को आपको फिल करना है, रैपिड फिलर। क्लोज टेस्ट इसको शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए रहते हैं, इसके मीनिंग जो रहते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं और आपको लॉजिक देखना पड़ता है, वोकैबुलरी देखना पड़ता है और कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी एक एक्सरसाइज है और काफ़ी अच्छी इसमें आपकी जो इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है वो चेक होती है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसलिए क्लोज टेस्ट जो है इसको आपको मास्टर करना ज़रूरी है यदि आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में और किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में आप निकलना चाहते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ये डायरेक्शंस दिए हैं। 31 से 40 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हैं और ये है आपका क्वेश्चन और ये हैं इसके ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ और यहाँ से मैं सारी टेक्निक्स आपको बताऊँगा कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को आपको अप्रोच करना है, क्या लॉजिक अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं, मोर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ग्रेट कैट्स। ग्रेट कैट्स मतलब जो टाइगर होते हैं और जो इसमें अलग अलग स्पीसीज होती हैं उनको ग्रेट कैट्स बोलते हैं। डू नॉट मैन एंड दे डू देयर बेस्ट टू माई ब्रेन टर्न राउंड एंड राउंड लाइक एट दिस ऑड बिहेवियर। इसमें ये बताया है कि मैन और एनिमल्स का क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो एक दूसरे को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, उनके उनके बीच में जो रिलेशनशिप है एनिमल के बीच में और मैन के बीच में वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय आपको पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है और एक रफ आइडिया क्रिएट करना है अपने माइंड में कि ये पैसेज एक्चुअली है किस बारे में है, इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो ये डेवलप करने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो पैसेज है ये ऑथर ने लिखा है ये किस टोन में लिखा है, ये नेगेटिव टोन में लिखा है या पॉजिटिव टोन में लिखा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, नेगेटिव टोन का मतलब है कि उसमें नेगेटिविटी की बात हो रही है, इसमें माइनस पॉइंट्स की बात हो रही है, उसमें डीमेरिट्स की बात हो रही है, और पॉजिटिव टोन का मतलब उसमें प्लस पॉइंट्स की बात हो रही है या प्रोग्रेस की बात हो रही है या उसमें किसी चीज़ की मेरिट्स की बात हो रही है, वो होता है पॉजिटिव टोन। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, मोर एनिमल्स including the great cats do not man and they do their best too. अब यहाँ पर आप क्या भरेंगे? देखिए, do not के बाद यहाँ पर verb की आपको first form चाहिए। यदि आप hate लगाते हैं तो hate अपने आप में ही negative word है। hate का अर्थ क्या होता है? hate का अर्थ होता है do not like या do not love। ठीक है, जिससे आप प्यार नहीं करते उससे आप hate करते हैं, तो आप मान सकते हैं कि hate अपने आप में एक negative word है। तो इसलिए यदि आप नेगेटिव वर्ड यहाँ पर लगाएंगे तो डबल नेगेटिव का सेंस देगा क्योंकि डू नॉट पहले ही लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो इसलिए हेट को आपने इलिमिनेट कर दिया। अब देखिए, प्रेफर और एडमायर, इसके दो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। प्रेफर और एडमायर ये ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, इसको हम एक व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे, एक एनिमल के लिए नॉर्मली हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि डॉग एडमायर कैट, ठीक है, या डॉग एडमायर हिज मास्टर। नॉर्मली इन वर्ड्स को हम व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि एनिमल्स के। तो ये ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड हैं। एक तो लॉजिक ये हुआ, एक लॉजिक प्रेफर को हटाने का ये हुआ कि प्रेफर के बाद हम टू वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, तो प्रेफर तो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया, हेट भी एलिमिनेट हो गया यहाँ पर, और एडमायर जो है ये ह्यूमन रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों इस तरीके से हमने एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या? लाइक। तो लाइक क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड भी है।
और यहाँ पर हम बोल सकते हैं डू नॉट लाइक मैन, मोर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ग्रेट कैट्स डू नॉट लाइक मैन, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर आंसर होगा। इसके अलावा जो एनिमल की कम्युनिटी है वो एनिमल को ही पसंद करेगी, वो मैन को पसंद क्यों करेगी, तो ये भी एक सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पर लाइक कहना सही होगा, लॉजिकली भी सही होगा और कॉन्टेक्स्ट वाइज भी सही होगा। मोर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ग्रेट कैट्स डू नॉट लाइक मैन एंड दे डू देयर बेस्ट। यदि आप किसी चीज़ को लाइक नहीं करते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, ठीक है, वो वर्ड यहाँ पर आपको चाहिए। तो 32 के अवेलेबल ऑप्शंस हम देखते हैं। अब देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं। किल, यदि हम किसी व्यक्ति को लाइक नहीं करते हैं तो हम उसको किल नहीं करेंगे। हम उसको किल तब करेंगे जब हमारी उससे दुश्मनी होगी, तब हम उसको किल करने की सोचेंगे, ठीक है। यदि हम उसको लाइक नहीं करते हैं तो हम उसको इग्नोर या अवॉइड कर सकते हैं। तो किल यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। अवॉइड का अभी हम देखते हैं। शर का अर्थ होता है काम से जी चुराना, तो काम से जी चुराने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। और ओवर पावर का मतलब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसको उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेना। तो यदि हम किसी व्यक्ति को लाइक नहीं करते हैं तो हम उसको ओवर पावर करना क्यों चाहेंगे, देयर इज़ नो लॉजिक फॉर इट, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ का कोई लॉजिक क्रिएट नहीं होता है। अवॉइड यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति को लाइक नहीं करते हैं, यदि किसी चीज़ को आप लाइक नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको अवॉइड करेंगे। तो अवॉइड इज़ द करेक्ट आंसर हेयर एंड लाइक इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। देखिए, आंसर्स जो आपको लगाना है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC एग्ज़ाम में लगाना है या बैंकिंग एग्ज़ाम में लगाना है, आपको आंसर इस तरीके से लगाना है कि आप उस आंसर को जस्टिफाई कर सकें, आप बोल सकें कि हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ पर यही आंसर इसका होगा, ठीक है। यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर। ये कैलिबर जब आपके अंदर आ जाएगा तब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलने की योग्यता रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आप जस्टिफाई कर सकें अपने आंसर्स को। चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ और इसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। माई ब्रेन टर्न्स राउंड एंड राउंड लाइक अ। अब चूंकि आ दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? यहाँ पर निश्चित रूप से, डेफिनेटली आप यहाँ पर नाउन ही लगाओगे, क्योंकि आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पर, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नाउन्स होती हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? सर्किल, क्लाउड, व्हील और वर्ल्ड विंड। सर्किल तो एक गोला होता है, लेकिन दिमाग जब घूमता है तो वो लगातार घूमता है। दिमाग घूमने का मतलब है कि आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है या परप्लेक्स हो जाता है। और इट टर्न राउंड एंड राउंड लाइक अ, किस चीज़ की तरह वो घूमता है, ठीक है। सर्कल तो एक स्थिर भी हो सकता है, ठीक है। क्लाउड घूमने वाली चीज़ नहीं है, व्हील और सर्कल घूमने वाली चीज़ है, लेकिन सर्कल और व्हील जो है वो अपने आप नहीं घूमते हैं, ठीक है, उसको घुमाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए सर्कल और व्हील का यहाँ पर सेंस नहीं बनेगा, जबकि वर्ल्ड विंड जो होता है वो एक चक्रवात होता है, जैसे हवा का एक चक्रवात होता है जो कि अपने आप घूमता है, ठीक है। तो वर्ल्ड विंड कहना यहाँ पर लॉजिकली सही होगा। हालांकि सर्कल और व्हील भी गोल होते हैं, लेकिन वर्ल्ड विंड जो है वो अपने आप घूमता है, जिस तरीके से हमारा माइंड घूमता है जब हम परप्लेक्स हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। तो माई ब्रेन टर्न्स राउंड एंड राउंड, ये ऑथर बोल रहा है कि मेरा ब्रेन इस तरह से घूमता है, माई ब्रेन टर्न्स राउंड एंड राउंड लाइक अ। तो यहाँ पर आपको नाउन चाहिए और वर्ल्ड विंड जो है वो अपने आप में एक नाउन है। लाइक ए वर्ल्ड विंड एट दिस ऑड बिहेवियर, मतलब ये जो ऑड बिहेवियर है एनिमल्स का, इस पर मेरा दिमाग चक्रवात की तरह घूमता है। द एक्सप्लेनेशन दैट द एनिमल्स दैट मैन इज ए किलर इज, देखिए हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि एनिमल्स जो है वो मैन को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या वर्ड आएगा, द एक्सप्लेनेशन दैट द एनिमल सी फील बिलीव एंड नो। देखिए यहाँ पर फिर से वही लॉजिक मैं लगाऊंगा कि एनिमल्स के साथ हम फील, बिलीव और नो जैसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ये भी आपके ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड हैं, फील हुआ, बिलीव हुआ, नो हुआ, ठीक है। नो और बिलीव तो पूरी तरीके से ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड हैं। फील भी हम नॉर्मली ह्यूमन के सेंस में ही यूज़ करते हैं, फील, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड्स को हम एनिमल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर क्या हम लुक लगा सकते हैं? लुक इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि लुक के बाद एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट मी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एट तो प्रपोजिशन है नहीं यहाँ पर,
तो इसलिए लुक हम इसमें नहीं लगा सकते, लुक का ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर सी जो होगा वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड होगा। द एक्सप्लेनेशन दैट द एनिमल सी, सी का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, जैसे हम बोलते हैं ओ आई सी, तो सी का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, मतलब एनिमल समझते हैं, समझना, समझ सकते हैं वो निश्चित रूप से। तो समझना सी वर्ड हम यहाँ पर हम लगा सकते हैं, एनिमल सी दैट मैन इज ए किलर इज बिलीवेबल। क्या हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि एनिमल ऐसा मानते हैं कि मैन किलर है? नहीं। यदि हम इस क्लोज टेस्ट को ना भी पढ़ें तब भी हमें यह पता होना चाहिए कि मैन, एनिमल्स ऐसा नहीं मानते कि मैन किलर है, क्योंकि एनिमल मैन पर तभी अटैक करता है जब उसकी जान को खतरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 35 में हम क्या लगाएंगे, ये चीज़ बिलीवेबल है या बिलीवेबल नहीं है कि एनिमल ऐसा मानते हैं कि मैन किलर है? ये चीज़ बिलीवेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे दैट मैन इज ए किलर इज हार्डली बिलीवेबल, इट इज़ नॉट बिलीवेबल। इसको ये मुश्किल से ही हम इस पर विश्वास कर पाएंगे कि एनिमल ऐसा मानते हैं कि मैन एक किलर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हार्डली जो वर्ड है, चूँकि निगेटिव हम बात कर रहे हैं, निगेटिव टोन में पूरा पैसेज है, तो इसलिए हार्डली कहना यहाँ पर लॉजिकली और कॉन्टेक्स्ट वाइज सही होगा। टू मी मैन आर कंपैरेटिवली, अब देखिए मैन आर कंपैरेटिवली एंड डिफेंसलेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि मैन आर जो व्यक्ति है वो तुलनात्मक रूप से डिफेंसलेस है। यहाँ से एक्चुअली एक नया सेंटेंस शुरू हुआ है, एनिमल्स आर, यहाँ पर ये कैपिटल में होना चाहिए। चलो इसको तो देखते हैं, तो यहाँ पर एक डिफेंसलेस वर्ड दिया है। डिफेंसलेस क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी कैसा है, एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। डिफेंसलेस, डिफेंसलेस मतलब एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर चूंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको ना केवल एडजेक्टिव चाहिए बल्कि नेगेटिव एडजेक्टिव चाहिए, तभी तो आप इक्विवेलेंट वर्ड को दोनों को जोड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ही इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव वर्ड को ही आप एंड से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लॉजिकली कहना सही है। तो चूंकि डिफेंसलेस यहाँ पर एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर नेगेटिव एडजेक्टिव क्या क्या होगा, स्ट्रॉन्ग तो नेगेटिव नहीं है, पावरफुल नेगेटिव नहीं है, वीक और फ्रेजाइल नेगेटिव हैं। ठीक है, तो डिफेंसलेस का इक्विवेलेंट क्या होगा, डिफेंसलेस का इक्विवेलेंट होगा वीक। फ्रेजाइल का अर्थ क्या होता है, फ्रेजाइल का अर्थ होता है, हम इसको ग्लास के सेंस में यूज करते हैं, जो चीज़ आसानी से टूट जाती है, जो स्टेबल नहीं है, उसको हम फ्रेजाइल बोलते हैं। तो इसलिए फ्रेजाइल कहना यहाँ पर सही नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका वीक। ठीक है, मैंने सारे लॉजिक आपको बताया कि डिफेंसलेस के साथ मैंने वीक क्यों लगाया। डिफेंसलेस एक एडजेक्टिव है और नेगेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर भी आपको एक नेगेटिव एडजेक्टिव चाहिए, तो इसलिए वीक कहना यहाँ पर सही होगा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्लोज टेस्ट को, यदि आप 100% मार्क्स अचीव करना चाहते हैं SSC या बैंकिंग एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ते हैं एनिमल्स आर मोर एजाइल एंड, अब देखिए वही सेम लॉजिक आ गया कि एजाइल का मतलब क्या होता है, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। ठीक है, जो जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं एजाइल। जैसे मंकी होता है एकदम से धूम मचाता रहता है, वो इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस डाली से उस डाली पर वो कूदता फांदता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं एजाइल। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, दो तीन लॉजिक मैं बताऊँगा आपको। चूँकि यदि कोई एजाइल है तो वो कैसा होगा, रैपिड होगा, ब्रिस्क होगा या डोसाइल होगा? यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको। रैपिड तो एक्चुअली ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड है, और रैपिड एक्चुअली इस सेंस में यूज़ नहीं कर सकते कि एजाइल एंड रैपिड, क्योंकि रैपिड का मतलब होता है फास्ट, और रैपिड को हम नॉर्मली जैसे रैपिड फायर राउंड होता है या रैपिड स्पीड के लिए हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, रैपिड, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, तो यहाँ पर हम एजाइल एंड रैपिड नहीं लगा सकते, फुर्तीला एंड फास्ट। यहाँ पर यदि फास्ट होता तो हम लगा सकते थे, लेकिन सारे एनिमल्स फास्ट नहीं होते, तो ये कहना थोड़ा लॉजिकली सही नहीं होगा कि एजाइल एंड रैपिड। ब्रिस्क, ब्रिस्क एक्चुअली हम वॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रिस्क स्टेप्स, तेज तेज जब कोई चलता है, तेज चाल से जब कोई चलता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिस्क। इसके अलावा ब्रिस्क
एनिमल्स के लिए उतना उतना कॉमन नहीं है जितना कि मैन के लिए है, ठीक है। और डोसाइल भी मैन ओरिएंटेड वर्ड है, तो ब्रिस्क भी नहीं आएगा। और एजाइल के साथ देखिए अलर्ट, एनिमल्स चूंकि एक एक वल्नरेबल स्पीसीज है, एनिमल्स के ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, तो इसलिए एनिमल्स ना केवल एजाइल होते हैं बल्कि अलर्ट भी होते हैं। आपने डॉग को देखा होगा, ठीक है, या आपने किसी भी टाइगर को जू में देखा होगा, किसी भी एनिमल को आप देखिए, वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, एजाइल भी रहते हैं, अलर्ट भी रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, दे आर इजी टू अटैक, मतलब कोई भी उन पर अटैक कर सकता है, तो इसलिए अलर्ट कहना यहां सही होगा। यहां पर आपका आंसर होगा अलर्ट, ठीक है। देन मैन, नेवर्थलेस, इसके बावजूद भी, इट इज ए फैक्ट दैट एनिमल्स, हालांकि मैन जो है वो डिफेंसलेस है और वीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एनिमल्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं मैन को। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, नेवर अवॉइड करते हैं, सेल्डम अवॉइड करते हैं, या ओकेजनली अवॉइड करते हैं, कभी कभार वो अवॉइड करते हैं, कभी नहीं अवॉइड करते हैं, या वो नॉर्मली अवॉइड करते हैं। तो यहां पर सही आंसर होगा नॉर्मली अवॉइड, क्योंकि हम यहां पर अवॉइडेंस की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो कभी अवॉइड नहीं करते, या कभी कभार वो अवॉइड करते हैं, या ओकेजनल ही अवॉइड करते हैं। ओकेजनली यदि मैं बोलता हूं तो इसका मतलब हुआ कि ओकेजनली अवॉइड करते हैं, मतलब 20% टाइम अवॉइड करते हैं और बाकी टाइम में अटैक करते हैं, जैसा जो कि गलत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है और अपने आंसर्स को आपको जस्टिफाई करना है। यहां पर आपका सही आंसर होगा 38 में सी, यानी नॉर्मली, ठीक है, अवॉइड मैन। माई व्यू इज शेयर्ड, अब यहां पर आप क्या लगाएंगे, बाय विद अलोंग अमंग। अमंग हम लगाते हैं किसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करते हैं, तब हम अमंग लगाते हैं। यहाँ पर व्यू की बात हो रही है, तो माय व्यू इज शेयर बाय अदर हंटर्स दैट मैन हैज डेवलप्ड आ आर्मर। मेरा जो व्यू है वो दूसरे हंटर्स के द्वारा, फिर दूसरे लोगों को, मतलब दूसरे हंटर्स के द्वारा और दूसरे लोगों के साथ शेयर किया गया है, और उन हंटर्स ने ये बताया है कि मैन हैज डेवलप्ड अ आर्मर, मैन ने एक आर्मर, एक कवच डेवलप कर लिया है। लेकिन वो कवच कैसा है, वो कवच डिफेंसिव है, कवच हमेशा डिफेंसिव होता है, क्योंकि कवच की मदद से हम रक्षा करते हैं अपनी, तो आर्मर ऑलवेज हैज टू बी डिफेंसिव। आर्मर आर्मर कभी भी फ्रेंडली नहीं होता है, आर्मर कभी भी स्ट्रेंज नहीं होता है, आर्मर कभी भी फियरफुल नहीं होता है, आर्मर हमेशा और हमेशा डिफेंसिव ही होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा डिफेंसिव। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको सारे लॉजिक्स बताए, और इन लॉजिक्स को ही आपको अप्लाई करना है। ये जो मैंने यहाँ पर जो क्लोज टेस्ट लिया है, ये CGL मेंस का रियल क्लोज टेस्ट है, ठीक है। ये ऐसा क्लोज टेस्ट नहीं है कि मैंने बनाया है या कहीं बुक से उठा लिया या कहीं अखबार से उठा लिया, ये रियल क्लोज टेस्ट ही मैंने आपके साथ आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और इसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि यदि आप लॉजिक अप्लाई करते हैं, कॉमन सेंस आप अप्लाई करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप वर्ड कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, तो 100% मार्क्स आप एक्यूरेसी के साथ आप स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, CGL टीयर 1 में और टीयर 2 में। और यदि आप निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं CGL 2018 में, तो इसके लिए हमारा एक एक्सक्लूसिव बैच इंग्लिश के लिए और GK के लिए चल रहा है। इंग्लिश के इसमें हम आपसे केवल फीस चार्ज करते हैं, बहुत ही कम फीस है इसकी, और GK का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। PDF पूरे फ्री इसमें आपको मिलते हैं, ई-बुक्स इसमें आपको पूरी फ्री मिलते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन इसमें आपको आपको वैल्यू मिलेगी अपने पैसे की। इसकी लास्ट डेट जो है ज्वाइन करने की, वो है 25 जुलाई। इसमें केवल हम 100 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देंगे, इसमें करीब 89 स्टूडेंट आ चुके हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, और इसमें आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी मनी की। यदि आप टीयर 1 के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसका प्राइस केवल 1699 रुपये है, और यदि आप टीयर 1, 2 और 3 के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसका प्राइस 2699 रुपये है। इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर मेरे कॉल, व्हाट्सएप एंड पेटीएम नंबर भी दिए हैं, तो इनके थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और पेटीएम के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं, कोई भी आंसर आपको गलत लगा हो, कोई भी बेटर एक्सप्लेनेशन यदि आपके पास है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, basantsinghal2210@gmail.com। और ये है मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर 9893719933। तो इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन, बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।